कमेंटेटर, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। इतने दिनों से चल रही राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और इसके साथ ही उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह लें और उनके सहयोग के साथ काम करें। तो वहीं इस फैसले के आने के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर हमला साधा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि अभी तक दिल्ली के सीएम दिल्ली की सारी परेशानियों को छोड़कर केवल दिल्ली को पूर्ण राज्यों का दर्जा मिलने का लाभ जो राग रहे थे, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करना एक अराजकता से कम नहीं है। तमाम विवादों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अराजकता शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि दिल्ली में यह अराजकता नहीं चलेगी, लेकिन इससे साफ है कि केजरीवाल को कोर्ट ने जोर का झटका दिया है। SPN9 न्यूज रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।